तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट कैसे टॉप 3 चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन की, जिनकी कीमत दोस्तों आपको 10,999 भी देखने को मिलेगी या 12,499 भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन है इस टाइम इंडियन मार्केट के। उस टाइम दोस्तों 5G काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बना पड़ा है, तो अगर आप 5G फ़ोन ही लेना चाह रहे हैं, आने वाले टाइम में 5G यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इन फ्यूचरिस्टिक फ़ोनों को ही परचेस करें, क्योंकि 4G तो काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन हैं ही, लेकिन 5G लेना है तो इन तीनों में से एक देख सकते हैं, क्योंकि इनसे सस्ता कोई 5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है ही नहीं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं दोस्तों टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में दोस्तों पहले नंबर का स्मार्टफोन आता है पोको M4 5G। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में 5 मई 2022 को लॉन्च हुआ है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर काम करता है। और वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन में आपको MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड देता है, और साथ ही 7 नैनोमीटर पर ये प्रोसेसर बेस्ड है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की एक IPS LED डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों आपके 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी दे देती है, यानी कि कम कीमत में आपको फीचर्स भी अच्छे दिए जा रहे हैं। और उसी के साथ इस स्मार्टफोन में बैक पे दोस्तों 2 सेंसर भी हैं, जिसमें 50 का है प्राइमरी, जिसमें अल्ट्रा वाइड उसी में देखने को मिलता है, और साथ ही आपको 2 का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 8 की सेल्फी है इस स्मार्टफोन में, 5 mAh की बैटरी है, 18W का चार्जर भी देखने को मिल जाता है, और वही दोस्तों इस स्मार्टफोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। कीमत दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर बात करें तो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 10,999 रुपये है, यानी कि काफ़ी कम कीमत में आपको एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है पोको की ब्रांडिंग के साथ। और वहीं दोस्तों बात करें दूसरे फ़ोन की, तो वो दोस्तों हमारा होगा मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ Moto G51 5G। ये स्मार्टफोन दोस्तों 16 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ है इंडियन मार्केट में, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, और ये स्मार्टफोन लगभग स्टॉक एंड्रॉइड जैसे फीचर्स देता है, यानी कि क्लीन लेआउट मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही इसमें कोलकॉम स्नैपड्रैगन का आपको 480 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2 GHz की क्लॉक स्पीड देता है, और साथ ही 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। 5G सारे ही फ़ोन हैं, इसलिए आप ये कन्फ्यूज मत लीजिएगा कि कौन सा स्मार्टफोन 5G है या कौन सा प्रोसेसर 5G होगा, नहीं होगा, सारे ही फ़ोन जो बात कर रहे हैं वो 5G वाले ही होंगे। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में 6.8 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz के एक हाई रिफ्रेश रेट के साथ, तो डिस्प्ले में भी ये काफ़ी संतुष्ट फ़ोन है, जिसकी कीमत दोस्तों पहले ज़्यादा थी, अब कीमत कम कर दी गई। कीमत की बात करें उससे पहले दोस्तों अगर कैमरे की बात करें, तो बैक में दोस्तों इसमें 3 कैमरे हैं, जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 का है, 8 का वाइड, 2 का माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट में दोस्तों 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 5 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है, उसी के साथ 20W का चार्जर भी देखने को मिल जाता है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, W8 का सपोर्ट है, 512 GB तक इंटरनल स्टोरेज भराया जा सकता है एक्स्ट्रा SD कार्ड के जरिए। और कीमत इस स्मार्टफोन की अगर बात करें तो वो दोस्तों है 12,249 रुपये, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज फ्लिपकार्ट के ऊपर, यानी कि कीमत कम है एक 5G फ़ोन के लिए, काफ़ी अच्छा फ़ोन फीचर्स के साथ ही आता है। और हम भी दोस्तों बात करें अपने तीसरे स्मार्टफोन की, तो तीसरा फ़ोन दोस्तों हमारा है पोको की ब्रांडिंग के साथ ही पोको M4 Pro 5G। ये स्मार्टफोन दोस्तों मेरी लिस्ट में मतलब सबसे अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सबसे बेस्ट स्मार्टफोन फीचर्स के मामले में लगा, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन तो वैसे लॉन्च हुआ था 22 फरवरी 2022 को इंडियन मार्केट में, आउट ऑफ द बॉक्स ये भी एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, और ये स्मार्टफोन में MIUI जैसे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो स्मार्टफोन में MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर है, जो कि 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड देता है, और ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है, यानी कि प्रोसेसर के मामले में ये फोन मुझे बेस्ट लगा। और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले भी है, जो कि दोस्तों 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देती है। और इसी के साथ दोस्तों अगर कैमरे की बात करें, तो बैक फेस पे 2 सेंसर हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, और 8 का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, और साथ ही आपको फ्रंट में पंच होल डिजाइन के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलेगी। 5 mAh की दोस्तों इसके अंदर बैटरी है, जो कि आपको 33W के चार्जर के साथ आती है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 1 TB तक का स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है इसके अंदर एक्स्ट्रा। और इसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कीमत देखने को मिलती है 12,499 रुपये इसके 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज की। सो दोस्तों ये है हमारे इंडियन मार्केट के सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन इस टाइम आपको जो देखने को मिल रहे हैं। इससे सस्ता कोई 5G फ़ोन ऐसा है ही नहीं जो इंडियन मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हो, आने वाले टाइम में शायद आ सके, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। सो अगर दोस्तों आप एक 5G फ़ोन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा क्रेज बना हुआ है 5G का, तो आप इनमें से कोई एक स्मार्टफोन ले सकते हैं अगर आप सस्ते में 5G लेना चाहते हैं। सो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर करें, और मेरी एक पर्सनल चॉइस भी आपको बता दूं तो Moto G51 5G क्यों है, क्योंकि इसका जो क्लीन लेआउट है, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड जैसे फीचर्स, वो मेरे को ज़्यादा पसंद आए। दूसरे नंबर का फ़ोन ऑब्वियसली बात है पोको M4 Pro 5G होगा, और सबसे सस्ता पोको M4। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों ऐसी को नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।